मुझे पवन जी अक्षरा जी के साथ अच्छे लगते हैं। मनी मिराज जी से हर कोई यही पूछता है मेरे से, शादी 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 वाइफ हो क्या? तो मैं आज बताना चाहूँगी, हाँ मैं वाइफ हूँ। हौसला कर बुलंद, दुनिया होगी तेरे संग और तू खुद पर कर यकी, तू खुद पर कर यकी, फिर मंजिल दूर नहीं, फिर मंजिल दूर नहीं। अभी तक आप किनके किनके साथ भोजपुरी इंडस्ट्री में काम कर चुके? ऑलमोस्ट सभी के साथ। आप ये ख्वाब मत देखो कि आप हीरोइन बन जाओगे गलत करके। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, जब तक आपके अंदर गुण नहीं है, वो मैं हूँ चाहे आप हो। जिंदगी में भले लेट में ही सक्सेस मिले, सफलता मिले, देर आए दुरुस्त आए। आप किसी के नहीं, लोग आपका ख्वाब देखें, खासकर गर्ल्स को, कि गलत तरीके से कभी आगे नहीं बढ़ा जाता। और अगर आपको कोई लालच दे रहा है और अगर आपको कोई ख्वाब दिखा रहा है तो चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल। बिहार के भागलपुर की एक ऐसी बेटी मौजूद है जिन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री में इतनी मेहनत की है, जमीन से उठकर आज ये लोगों के दिलों पर राज कर रही है, और नाम है वनु द ग्रेट। चश्मा लगाती है, चश्मिस के नाम से फेमस है, क्यूटनेस के नाम से फेमस है, भोजपुरी की क्वीन कही जाती हैं, भोजपुरी की मिनी स्टार कही जाती हैं, इन्फ्लुएंसर कही जाती हैं, बहुत सारे नाम हैं। तो आज इनसे भोजपुरी के बहुत सारे मुद्दों पर बात करेंगे और कुछ ऐसे मुद्दों पर भी बात करेंगे जो इन दिनों विवादों में चल रहा है, हालांकि वो इशारों में आप समझ गए होंगे। उससे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। सबसे पहले सभी को नमस्कार प्रणाम। सच तक न्यूज़ में मेरा इंटरव्यू के लिए आपको सबसे पहले मैं वेलकम करती हूँ। थैंक यू सो मच। मैं ठीक हूँ, आप मस्त? अच्छा वनु जी, मेरा आपसे पहला सवाल होगा, बिहार के भागलपुर से आकर आज हम दिल्ली में इंटरव्यू कर रहे हैं और इतनी सारी आपकी वीडियोस वायरल होती हैं, ये जर्नी इतनी मुश्किल नहीं रही होगी, तो कैसे इसको बयां करेंगे? बस इतना ही कहूँगी, एक दो लाइंस में इसको बयां करना चाहूँगी कि हौसला कर बुलंद, दुनिया होगी तेरे संग यकी, तू खुद पर कर यकी, फिर मंजिल दूर नहीं, फिर मंजिल दूर नहीं, मंजिल दूर नहीं। और देखिए, जो मेहनत करते हैं, ईमानदारी से करते हैं, उनके लिए मंजिल दूर नहीं, बिल्कुल नहीं होती है। थोड़ा देर लगता है, थोड़ा समय लगता है, लेकिन कहावत है देर आए दुरुस्त आए। लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री का जो काला सच है, वो कहीं ना कहीं लोगों के जहन में जब वो चीज़ आती है तो लोग नहीं चाहते अपनी बेटी को भोजपुरी इंडस्ट्री में जाने देना। हाँ बिल्कुल, हर माता पिता डरते हैं, इवन मेरे माँ बाप भी डर रहे थे। लेकिन एक कहते हैं ना कि अगर आप सही हो तो सब सही है। आपको कहा जाता है मनी मिराज की हीरोइन, वनु द ग्रेट। हूँ। कब कर रही है मनु मिराज से शादी? इस विषय पे तो मैं अभी कुछ नहीं बोलना चाहूँगी। और मनी मिराज जी से हर कोई यही पूछता है मेरे से, शादी 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 वाइफ हो क्या? तो मैं आज बताना चाहूँगी, हाँ मैं वाइफ हूँ। हमारी वीडियो एक बनी थी, कैसे वाइफ हूँ ये भी तो जान लो। हमारा एक वीडियो शूट हुआ था बैंड बराती 7, उसमें उन्होंने मुझसे शादी की थी, वीडियो में शादी की थी, एक्चुअल में शादी नहीं की। तो रियल लाइफ में क्या होने वाला है मनी मिराज की हीरोइन वनु द ग्रेट, मतलब शादी करने का ख्याल है या नहीं? रियल लाइफ में अभी ऐसा मेरा कोई प्लानिंग नहीं है, ना ही ऐसा उनका कोई प्लानिंग है। अभी हम लोग काम कर रहे हैं और मस्त अभी काम करेंगे। चलिए, मेरी विशेष है कि आप अच्छा ही काम करें और भी नाम बनाएं। एक सवाल मेरे मन में, ये मेरा पर्सनल सवाल है, चश्मा तो आप लगाई है लेकिन चश्मे में ना तो लेंस है ना और भी कुछ है, कारण क्या है बिना लेंस के चश्मा लगाना, बिना शीशे का चश्मा? अब सारा राज मैं आज ही खोल दूंगी तो फिर इसका सच। इसीलिए तो जुड़े हैं ना आपसे। एक्चुअल में चश्मा लगाना मेरा शौक है और मैं शुरू से ही, आप जब भी देखे होंगे मुझे, मेरे चश्मे में लेंस रहता ही नहीं है। चश्मे में शीशा नहीं है, चश्मे का फ्रेम है। तो ये कोई लकी है या क्या? बहुत लकी है, बहुत ज़्यादा लकी है। और जब से मैं इसको वेयर की हूँ, मुझे ऐसा लगता है, मैंने महसूस किया है, मेरा लाइफ चेंज हुआ है। और मैं तब से इसको, मतलब ऐसा नहीं, लोग बहुत लोग बोलते हैं कि प्रॉब्लम है, आइज़ ख़राब है इसका, चश्मेश टेढ़ी आँखें, पता नहीं क्या क्या बहुत कुछ बोलते हैं। लेकिन गाइस, मैं शौक से इसे पहनती हूँ और मुझे चश्मा पहनना अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। और बहुत, और आप लोग मुझे चश्मिश बोलते हो, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। देखिए, आपकी लाइफ पे भी और बातें करेंगे, अभी अगर भोजपुरी इंडस्ट्री की बात करें तो भोजपुरी इंडस्ट्री में पवन सिंह है, उनकी पत्नी ज्योति सिंह को लेकर के जो विवाद चल रहा है, ज्योति सिंह का ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रही हैं कि पवन सिंह तीसरी शादी करने वाले हैं जनवरी 2025 में, इस चीज़ को सुन के कैसा लगा?
एक भोजपुरी आर्टिस्ट होने के? सबसे पहले तो मैं बहुत शॉक्ड हूँ ये सुन के कि मतलब तीसरी शादी, बहुत अजीब लगा सुन के ये मुझे। आपको अजीब लग रहा है जो उनकी पत्नी है उनको कैसा? मैं वही सोच रही हूँ बट मैं कहीं सुने पे यकीन नहीं करती हूँ। लेकिन हमने ऑडियो क्लिप सुना है ना ज्योति सिंह की आवाज़, ये मैं भी सुनी हूँ किसी से कि ऐसी आवाज़ है या ऐसा बोला जा रहा है। मैं पर्सनली नहीं सुनी हूँ तो मैं इस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर पाऊँगी, बट इतना ज़रूर बोलूँगी कि परिवार है भोजपुरी, हमारा एक परिवार है और पवन सिंह जी एक अच्छे गायक हैं, एक अच्छे इंसान भी हैं और मुझे नहीं लगता है कि ऐसा करना चाहिए। अपनी पत्नी के साथ अगर ऐसा कर रहे हैं तो आपको लगता है कि वो एक अच्छे? नहीं करना चाहिए। चुनाव में ज्योति सिंह ने जिस तरीके से प्रचार किया ऑडियो क्लिप में वो, ये अच्छा, भी मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी। पवन सिंह जी हो या कोई भी बड़े सुपरस्टार हो, जो भी आजकल विवाद चल रहा है, असल में क्या होता है ना कि हम उनकी पर्सनल लाइफ को नहीं जानते हैं अंदर से, हम जो सुनते हैं हम उस पर यकीन करते हैं। अब आपस में उनका क्या समझौता है या एक दूसरे से क्या रिश्ता है, क्या रिलेशन है, हम कैसे जज कर सकते हैं या कोई पब्लिक कैसे जज कर सकती है एक? लेकिन एक फैंस होने के नाते ये जानने का तो हक है ना उनके फैंस को कि भाई आखिर ऐसा पवन सिंह अपनी बीवी के साथ क्यों कर रहे हैं, या फिर उस फैंस को ये भी जानने का हक है कि आखिर ज्योति सिंह के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। बिल्कुल, ये तो गलत है, नहीं होना चाहिए, जो गलत है वो गलत है। बट क्यों हो रहा है ये तो नहीं बता, मतलब मैं नहीं बता सकती, ना ही मैं अंदर की बात जानती हूँ और ना ही कोई दर्शक हो या फिर कोई कलाकार हो। जब तक हम जानेंगे नहीं किसी चीज़ को तो हम उस चीज़ के लिए जजमेंट नहीं कर सकते। पवन सिंह और ज्योति सिंह साथ में आपको कैसे लगते हैं? अच्छे लगते हैं। हाँ, लेकिन शायद बोलूँगी तो बुरा लग जाएगा। क्या बुरा लगेगा? लेकिन इसके लिए मैं माफ़ी भी चाहूँगी। लेकिन मुझे पवन जी अक्षरा जी के साथ अच्छे लगते थे। अब तो शादी हो गया है, आप विवाद मत खड़ा करवाइए। विवाद नहीं खड़ा करवा रही हूँ, जो मेरा पर्सनली, मैं भाई एक अपने फैंस के हिसाब से बोला ना, तो मैं एक पब्लिक और एक फैंस अगर कहना चाहे, जो मुझे उनका पेयर अच्छा लगता है, शुरू से लगता आया है पवन जी और अक्षरा जी का। बट ठीक है, अब शादी हो गई है तो हम नहीं उस चीज़ को जोड़ सकते हैं। ठीक है, आपने एक पूछा किसके साथ अच्छा लगता है, मैंने उस चीज़ के लिए बोला है। बट एक इंसानियत और एक रियल लाइफ के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए जो चीज़ें सही हैं, अगर वाइफ हैं आपकी, मैं माफ़ी चाहूँगी, आप मेरे से बहुत सीनियर हैं और ना मैं आपके पर्सनल चीज़ों को जानती हूँ, मैं टिप्पणी नहीं करूँगी, ना ही मैं जजमेंट कर सकती हूँ, ना मेरी उतनी औकात, पर इतना ज़रूर बोलूँगी कि वाइफ हैं वो। और आपस में ज्योति जी से भी यही कहना चाहूँगी कि आपस में जो भी है आपस का समझौता होना चाहिए। और तीसरी शादी वाली पे तो मैं यकीन नहीं कर रही, इस बात पे बिल्कुल मुझे यकीन नहीं हो रहा। पवन सिंह करने वाले नहीं है, मेरे को नहीं लगता कि ऐसा करने वाले हैं और करना भी नहीं चाहिए। अगर ये चीज़ें सही हो जाती, मान लीजिए ज्योति सिंह का ऑडियो क्लिप जो वायरल हो रहा है उसमें से अगर 50% बातें सही साबित हो जाती है तो क्या लगता है भोजपुरी इंडस्ट्री पर असर पड़ेगा या उनके फैंस पर असर पड़ेगा, या आप लोग क्या सोचेंगे पवन सिंह के बारे में? पूरी दुनिया सोचेगी, हम क्या सोचेंगे, पूरी दुनिया सोचेगी कि ऑब्वियसली वाइफ हैं और वाइफ के होते हुए अगर कोई शादी करे तो ये तो ठीक नहीं है, गलत है, गलत नहीं सरासर गलत है। अच्छा, देखते क्यों करेंगे, हम नहीं जानते हैं इस चीज़ को अभी। मैंने क्या बोला कि अंदर उनका आपस में क्या है, क्या मैटर है, किस वजह से क्या हो रहा है, हम नहीं जानते हैं, है ना। अच्छा, पवन सिंह और खेसारी लाल यादव, मतलब बीच में विवाद होता है दोनों में, एक हो जाते हैं, फिर बीच में आपने देखा कई महीने पहले इन लोग में फिर बाद विवाद हुआ, पर्सनल लाइफ को लेकर के खेसारी लाल यादव टीका टिप्पणी पवन सिंह पे कर देते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं पवन सिंह ऐसा मौका दे देते हैं। अब मान लीजिए जब से ऑडियो क्लिप वायरल हो रहा है तब से मौका तो और भी मिल गया होगा ना इन लोगों को बोलने का, तो पर्सनली आपको खेसारी लाल यादव की व्यक्तिगत राय अच्छी लगती है या पवन सिंह, दोनों में से कौन? तो ऐसे तो दोनों स्टार अच्छे हैं, ठीक है, और दोनों में से कौन अच्छे हैं तो ये नहीं मैं बोल पाऊँगी कि कौन अच्छे, मेरे लिए दोनों अच्छे हैं, मैं दोनों आदरणीय भी हैं,
बट ये अगर ये बात हो रही है कि वो उन पे टिप्पणी करते हैं, ये इन पे टिप्पणी करते हैं, या मतलब गलत बोलते हैं एक दूसरे को कुछ भी, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। अभी तक आप किन के साथ भोजपुरी इंडस्ट्री में काम कर चुके? ऑलमोस्ट सभी के साथ। पर्सनली आप पवन सिंह से कितनी बार? एक ही बार, और वो भी रितु सिंह जी के साथ गाना था मेरा, और उसमें मेरा पवन जी के साथ सीन नहीं था, हाँ रितु जी का था, मतलब रितु सिंह जी का। हाँ, और भोजपुरी इंडस्ट्री में अगर वनु द ग्रेट की बात करें तो फीमेल एक्ट्रेस में कौन पसंद है, लाइक किसकी एक्टिंग आपको ज़्यादा अच्छी लगती है? क्योंकि आने वाले समय में आप भी वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करेंगी, एक छोटी सी एज में आपने जितनी अपनी पहचान बनाई है वो काबिले तारीफ। वैसे अगर एक्टिंग की बात की जाए तो एक्ट्रेस सारी अच्छी हैं, सब बहुत अच्छा एक्ट करती हैं, पसंद मुझे सब हैं, लेकिन सब में से एक होता है ना कि फेवरेट से ज़्यादा फेवरेट की अगर बात की जाए, ऐसा मतलब सब अच्छे हैं मेरे लिए। फेवरेट वाला ऐसा नहीं कि मेरा कोई, प्लीज़ कोई दिल पे नहीं लीजिएगा, मैं सबका सम्मान करती हूँ, आप मुझे सब लोग बहुत प्यारी लगती हैं, लेकिन अगर ऐसे फेवरेट की बात की जाए तो फेवरेट मैं खुद को मानती हूँ, मैं अपने आप खुद की फेवरेट हूँ। मुझे लगा किसी का नाम तो लेंगे ये, लेकिन लास्ट में आके कह रही मैं खुद की फेवरेट हूँ, है ना, किसी का नाम नहीं लिया। क्यों लूँ मैं किसी का नाम? एक का नाम लूँगी दूसरे को दुख होगा, दूसरे का तो क्या ज़रूरी है। अच्छा, कितनी एज थी आपकी जब से आपने शुरुआत की भोजपुरी इंडस्ट्री में, चाहे वो म्यूज़िक का हो चाहे वो डांस का हो? 16-17। सबसे पहले किसका सपोर्ट मिला? मेरे को सबसे पहले, मैं नहीं नाम लेना चाहूँगी, लेकिन ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नहीं चर्चा करनी चाहिए, तो मुझे नहीं लगता है कि मेरे को बोलना बेहतर रहेगा। बाकी अगर सोशल मीडिया की बात करें तो टिकटॉक, और उसके अलावा गुरुजी हमारे अटल सर, जिन्होंने मुझे उस लाइक तैयार किया, एक एक को बिठा कर प्रोजेक्ट दिखाना, मुझे निखारना किस तरीके से एक्ट करना चाहिए, और ऐसे सपोर्ट बहुत लोग करते हैं, बहुत लोगों ने किया है। एक एक का नाम लेने बैठूंगी तो सुबह हो जाएगी, बट जो जिनका खास सपोर्ट रहा है, सबसे प्रथम स्थान पे मैं रखना चाहूंगी अटल सर को, और उसके बाद मनी मिराज जी। हाँ, मनी मिराज की तो बात करेंगे, उनके हीरोइन जो ऐसा कुछ नहीं है, आप देख भी रहे हैं, कहना क्या है, दुनिया देख रही है। अच्छा, बहुत सारे दर्शक आपको देख रहे हैं, कोई ऐसी लाइन हो या फिर कोई शायरी हो, कोई ऐसा डायलॉग हो जो बहुत ज़्यादा वायरल हो और आप सुनाना चाहें? फिर विवाद हो जाएगा। कैसे विवाद नहीं होगा, आप टेंशन मत लीजिए। नहीं, टेंशन नहीं ले रही हूँ मैं, मतलब मेरे इस बात से किसी और पे विवाद चला जाएगा, इसलिए नहीं, हम किसी और पे नहीं ले जाएंगे। आप नहीं लेके जाएंगे ना, जनता लेके जाएगी, जनता लेके जाएगी। मैं भी चाहती हूँ आप वो लाइंस बोले या फिर वो शायरी, मेरा रिक्वेस्ट है। फिर पर्सनली आप ये समझ लीजिए कि मेरे लिए ही मुझे ठीक नहीं रहेगा। हाँ ठीक, मतलब ये समझ लीजिए कि पर्सनली मैं ये चीज़ नहीं बोल पाऊँगी। अभी आने वाले समय में और क्या क्या प्रोजेक्ट आप कर रही हैं? छोटे मोटे गाने कर रही हूँ अभी मैं। अच्छा, इतना टैलेंट होने के बाद भी क्यों बड़े स्टार्स के साथ आपको मौका नहीं मिल रहा है, चाहे मूवी करने का, चाहे, क्योंकि मैं देखती हूँ कि आपके बाद आने वाली लड़कियाँ आज के समय में पवन सिंह के साथ वो गाना शूट कर रही हैं, खेसारी लाल यादव के साथ एल्बम उनके पर्डे आ रहे हैं, आए दिन आ रहे हैं, फिर आप लोग पीछे कहाँ रह जा रही है? बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ हैं जो मेहनत बहुत साल से करी है बट वहाँ तक नहीं पहुँच पाए, कारण? सबसे पहले तो लोगों को लगता है कि मैं बहुत बोलती हूँ, और मैं सच में बहुत बोलती हूँ। तो बोलना कोई गुनाह थोड़ी? और मुझसे ना चापलूसी करके, कॉम्प्रोमाइज़ करके, इस तरीके से मैं काम नहीं करना चाहती हूँ। यहाँ पे बड़े बड़े स्टार गलत नहीं होते हैं, उनके नीचे के जो लोग रहते हैं ना, उनकी वजह से वो लोग भी बदनाम होते हैं। आपको डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली जज करेंगे कि ये मतलब कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। कर पाएगी तो ठीक है, चांस देते हैं, नहीं कर पाएगी नहीं देते हैं। और चांस किस चीज़ का पता है? किस चीज़ का? छोटा मोटा कुछ काम करवा लिया, एक दिन के लिए आप चमक गए, उसके बाद फिर गायब। आप ये ख्वाब मत देखो कि आप हीरोइन बन जाओगे गलत करके। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, जब तक आपके अंदर गुण नहीं है, वो मैं हूँ चाहे आप हो, नहीं टिक पाओगे। शॉर्टकट वाले शॉर्टकट में ही रह जाते हैं। कॉम्प्रोमाइज़ वाला सिस्टम यार लोग लाते क्यों हैं? मतलब
एक दो लड़कियों की वजह से सारी लड़कियां बदनाम है। बिल्कुल बिल्कुल बदनाम है। और अब क्यों लाते हैं ये, तो इसका तो जवाब मैं नहीं दे सकती, लेकिन ये जो सच है ना, क्योंकि बहुत सारे गार्जियन ऐसे सोचते हैं जिनकी बेटियों के मन में एक ख्याल आता है कि चलो बॉलीवुड तो ना सही, अगर मेरा मन है हीरोइन बनने का तो मैं भोजपुरी इंडस्ट्री से ट्राई कर सकती हूँ। जी बिल्कुल, बट उनके पेरेंट्स के मन में ये ख्याल ज़रूर आता है कि भोजपुरी में कितनी ज़्यादा गंदगी है, ये एक सच है कि मैं ये इस बात को थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगी, मैं आपकी इस बात को काटूँगी कि सिर्फ भोजपुरी में ही, हर जगह हर फील्ड में, हर फील्ड का यही हाल है। लेकिन मैं यही कहूँगी कि आप सही हो तो सब सही है। कोई ऐसा इंसिडेंस बनो जो आप शेयर करना चाहें कि इस इंडस्ट्री में आपको फेस करना पड़ा हो वो चीज़, और आप वहाँ से हट गई हो, अपने आप को पीछे कर ली हो, अगर ऐसी चीज़ें आपके साथ कभी कुछ ऑफर मिला? बहुत सारे, अनगिनत, लेकिन वही है ना कि मैं थोड़ा ज़्यादा बोलती हूँ। स्वाभिमान अपना प्यार, उसके साथ कोई समझौता नहीं। जिंदगी में भले लेट में ही सक्सेस मिले, सफलता मिले, देर आए दुरुस्त आए, और खुद के अंदर इतना जुनून रखो कि मेहनत पे इतना यकीन रखो कि आप किसी के नहीं, लोग आपका ख्वाब देखें। ज़्यादा लंबी बातचीत नहीं करेंगे, और अगर कोई सवाल रह गया हो जो आप चाहती हैं हम करें तो वो आप मुझसे बोल सकती हैं। अगर आपको लगता है कि मेरे सारे सवाल कंप्लीट हो गए हो तो आप दर्शकों को आखिरी में कुछ बोलना चाहेंगे? ऑलमोस्ट तो वैसे कंप्लीट ही हो चुका है, बट जाते जाते मैं बोलना चाहूँगी, मैसेज देना चाहूँगी खासकर गर्ल्स को कि गलत तरीके से कभी आगे नहीं बढ़ा जाता, और अगर आपको कोई लालच दे रहा है और अगर आपको कोई ख्वाब दिखा रहा है तो चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, और नहीं ऐसे सक्सेस नहीं कर पाइएगा, कुछ हासिल नहीं होगा, बस अलर्ट रहिए, मस्त अच्छे से आप काम कीजिए, अपना जो भी आपका है, आपके अंदर जो भी गुण है वो दिखाइए, मेहनत करते रहिए, मंजिल ज़रूर हासिल होगा आपको। तो वनु द ग्रेट के साथ हमारी एक खास बातचीत आपको कैसी लगी वो कमेंट सेक्शन में जा कर के ज़रूर बताइए, और वनु जी अपना इतना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।